तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद के में। और दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं एक नए कंपटीटर स्मार्टफोन की, जो कि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, टिकटॉक। आप जानते ही होंगे टिकटॉक के बारे में, और शायद हो सकता है आप टिकटॉक के ऊपर भी हो। दोस्तों, बात करें तो यहाँ पर टिकटॉक की जो मालिकाना कंपनी है, जिसका नाम है बाइट डांस, इसने अपना एक पहला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो कि चाइना में अभी लॉन्च कर दिया गया है। और इसके बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में सारी जानकारी, इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है, इसके साथ ही यहाँ पर क्या चीज़ें इस फ़ोन में आपको मिलने वाली है। अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि टिकटॉक जो कंपनी है, जो कि बाइट डांस, पहली बार यहाँ पर मार्केट में आई है और एक फ्लैगशिप और जिस तरह का स्मार्टफोन लेके आई है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन देने वाली है। इस स्मार्टफोन का नाम है स्मार्टसन जियांगुओ प्रो 3। इस स्मार्टफोन में क्या चीज़ें मिलने वाली है, इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे स्मार्टफोन के अंदर, इसके अंदर डिस्प्ले आपको मिलने वाली है, वो मिलने वाली है 6.33 इंच की फुल एचडी प्लस, जो कि एम्ब्लॉयड डिस्प्ले है। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पर जो आपको रिजोल्यूशन मिलता है 1080x2340 पिक्सल का। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर 403 पिक्सल पर इंच की जो पिक्सल डेंसिटी है, वो आपको मिल जाती है। इसके साथ ही बात करते हैं यहाँ पर कैमरा फीचर्स की, तो कैमरे मिलते हैं यहाँ पर आपको रियर पैनल पर 4 कैमरे और फ्रंट साइड में 1 कैमरा। फ्रंट साइड में और बात करें तो यहाँ पर आप सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि काफ़ी अच्छे नए फीचर्स के साथ अपडेट आ रहा है। अगर बात करें तो यहाँ 4-in-1 पिक्सल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसकी मदद से आप ब्राइट फोटो खींच पाएंगे। इसके साथ ही बात करें तो 4 कैमरे जो आपको रियर पैनल पर मिलते हैं, इसका प्राइमरी सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का, जो कि मिलता है सोनी IMX586 वाला, और ये काफ़ी अच्छा कैमरा है। इसके साथ ही जितने भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन अभी तक जो लॉन्च हुए हैं, उन सब में इस तरह के ही कैमरे यूज़ किए गए हैं। अगर बात करें अपर्चर की, तो F1.75 का अपर्चर आपको इस कैमरे में मिल जाएगा। इसके साथ ही दूसरे कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है वाइड एंगल कैमरा, जो कि 123 डिग्री का वाइड एरिया कवर करता है। तीसरे कैमरे की बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, जो कि है ऑप्टिकल 2x जूम के साथ में। और इसके साथ ही लास्ट वाला जो कैमरा है, जो कि माइक्रो कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर कैमरा फ़ोटोज़ के लिए अच्छे फीचर्स उपलब्ध करवा देगा। इसके साथ ही बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों को प्रोसेसर मिलने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस का, जो कि अभी जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उन सब में यूज़ किया जाने वाला है, जो कि जो प्रीमियम क्वालिटी के स्मार्टफोन हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, जैसे वन प्लस है, इसके बाद MI है, इसके साथ ही रियलमी है, उन सभी में इस तरह के प्रोसेसर यूज़ करने जा रही है कंपनियाँ, जिससे आपको मल्टीटास्किंग और गेमिंग में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बात कर लेते हैं बैटरी की, और बैटरी मिलती है यहाँ पर आपको 4000 mAh की, जो कि 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आपको मिलेगी। और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, इसलिए 4000 mAh की बैटरी काफ़ी हद तक सही है। इसके साथ ही वेरिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 वेरिएंट मिलने वाले हैं, जिसके अंदर 8GB 128GB, जो कि वहाँ चाइनीज़ मार्केट के अंदर आपको मिलता है 2899 yuan, लगभग इसकी कीमत होती है 29,000 रुपये भारतीय करेंसी के हिसाब से। दूसरा जो वेरिएंट आने वाला है वो 8GB 256GB का वेरिएंट आने वाला है, जिसकी चाइना में जो कीमत है वो है 3199 yuan, जो कि भारतीय कीमत के अनुसार 32,000 रुपये के आसपास होती है। इसके साथ ही बात करते हैं लास्ट वेरियंट, जो कि 12GB plus 256GB के साथ में आता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो कीमत की बात करें तो आप लोगों को चाइनीज़ कीमत अगर बताएं तो 3599 yuan, जो कि भारतीय कीमत के अनुसार लगभग 36,000 रुपये के आसपास होती है। साथ ही कलर की बात करें तो यहाँ पर आपको जो 8GB के जितने भी वेरिएंट है, वो ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर में मिल जाते हैं। अगर बात करें लास्ट वाले, जो कि सबसे बड़ा वेरिएंट है 12GB वाला, वो मिलता है कुछ ग्रीनिश स्टाइलिश कलर का, जो कि अलग कलर के साथ में आने वाला है। भारत में कब तक आएगा, इसकी अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इस फ़ोन के अंदर ड्यूअल नैनो सिम मिल जाते हैं, इसके साथ ही
इसके अंदर खुद का ओएस है जो कि स्मार्टसन ओएस 7 के नाम से, जो कि एंड्रॉयड बेस है। एंड्रॉयड में कौन सा वर्जन यूज़ किया जाएगा इसकी भी अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जल्द ही आपको इसका डिटेल्ड वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको टेक से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी। दोस्तों ये था नया स्मार्टफोन जो कि अभी मार्केट में आने वाला है, संभवतः ये कम्पीट कर पाएगा प्रीमियम स्मार्टफोनों को। कीमतों की बात करें तो लगभग इस दौर के जिन कंपनियों ने अपनी पॉपुलरिटी बटोर रखी है उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा, और इन्हें अगर मार्केट में अपना परचम लहराना है तो MI और Realme की तरह अपनी कीमतों में कमी लानी पड़ेगी। ये था मेरा पर्सनल सुझाव। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, इसके साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।